हर हर महादेव, हर हर। ये जी तीन रिंग बनाई हैं, बहुत शानदार रिंग है। ये एक एलाइट होता है, शनि भगवान का उपरत्न होता है, नीली काका नीली, एकदम नेवी ब्लू डार्क कलर होता है। देखिए 10-11 रत्ती की होती है, शनि भगवान जिसके राजयोग कारक होते हैं उनके लिए बड़ी उत्तम। ये देखिए चांदी में बनाई है, जिसमें एक लोहे की कील लगाई है। चांदी जो चंद्रमा का कारक होती है उसके चंद्रमा को हटा देते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा विष दोष बना देते हैं। अब इससे शनि का कारक हुआ लोहा, तो वो शनि के, वो चंद्रमा के दोष हट गए और शनि भगवान खुश हो गए। 10-11-12 कैरेट का अगर हम पहनाते हैं तो वो नीलम का कहीं टच मार देता है। अगर शनि भगवान राजयोग कारक है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण में स्थापित हैं, तो आपको राजयोग का फल देने वाली उत्तम चीज़ होती है। एक ये रूबी है, माणिक, क्या माणिक जो होता है, सूर्य की मणि बोलते हैं। देखिए क्या शानदार न्यू बर्मा माणिक है, ये न्यू बर्मा। ये देखिए इसके अंदर अबरक भी भरी हुई है, ये देखिए नीली हरी रेखा इसमें दिखाई देगी आप। ये ओरिजिनल स्टोन है, अष्टधातु में स्वर्ण का सब्स्टिट्यूट होता है, मोटी डंडी है, नीचे की टचिंग बहुत प्यारी। देखिए फुल ट्रांसपेरेंट पीस है, फुल ट्रांसपेरेंट, ऐसा शानदार पीस है कि उच्च पान पद प्रतिष्ठा को दिलाने में सक्षम होते हैं सूर्य भगवान, हर हर महादेव। ऐसे ही एक देवगुरु बृहस्पति का ऐसा संयुक्त रत्न है कि ये तीन ग्रहों पर काम करता है। देवगुरु बृहस्पति का तो सफ़ेद पुखराज है ही है, सफ़ेदी उसकी चंद्रमा को भी ठीक करती है, शुक्र को भी ठीक करती है। ऐसा होता है कभी कभी कि कुंडली के अंदर तीनों राजयोग कारक हों और तीन स्टोन न पहन के, देखिए ट्रांसपेरिटी है, ये देखिए टचिंग बहुत शानदार। ये नीचे का पूरा फ्रेम मोटी डंडी, चंद्रमा और गुरु राजयोग कारक हों तो गज केसरी योग बनाते हैं, उसको फलित करते हैं। इसकी सफ़ेदी शुक्र को भी एक्टिव करती है, जो सुखों में, धन में, लिक्विडिटी में कारगर होती है, हर हर महादेव। ये एक मेष लग्न का व्यक्ति है जो बहुत ऊंची व्यवस्था को देखने वाला है। नीलम से डर रहा था इसलिए इसको नीली पहनाई। 3 महीने के अंदर अंदर ये नीलम हमसे खुद मांगेगा सब, हर हर महादेव।